औरज़बिल्लाम शैतवानरजीम बसमीम यू नो लाइक एम्पेयरमेंट लॉसिस इन अदर नॉन करेंट एसेट्स एंड एक्सेट्रा इस फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में भी ये कॉन्सैप्ट है कि अगर इम्पेयरमेंट होती है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए रिच लिमिटेड मेड ट्वेल्व परसेंट लोन ऑफ फाइव हंड्रेड थाउजेंड टू पुअर लिमिटेड ऑन जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन आपने लोन दिया एक कंपनी को बारह परसेंट पर लोन इज पेबल आफ्टर सिक्स ईयरस दूपन एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द सेम एंड इंटरेस्ट इज रसीव देंड ऑफ ईच ईयर आपने लोन दिया है तो आपका एसेट है ऑन जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी तकरीबन पाँच साल के बाद रिच लिमिटेड डिस्कवर्ड दट पुअर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब देखें आपने तो पाँच लाख दिया है इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा है लेकिन आखिरी साल में कश्मीर में जाकर पता चला कि वो जो लोन जिसने लिया है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है और हमने ये एस्टीमेट किया है कि वो हमें तीन लाख छत्तीस हज़ार पे नहीं करेगा बल्कि हमें पे कर सकता है सिर्फ तीन लाख छत्तीस हज़ार पे कर सकता है इंस्टेड ऑफ फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी कैसे बारह परसेंट पाँच लाख पर साठ हज़ार और प्लस उस पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूँ तो ये पाँच लाख साठ बनता है लेकिन वो कहता है जी वो हमें सिर्फ पे कर सकता है थ्री थ्री सिक्स फाइव क्लियरली नजर आ रहा है कि हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे तो इज़ एन नाउ द क्वेश्चन इज इम्पेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी लेट सी द आंसर सिंस कूपन एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द सेम कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल इज 500 लेकिन रिकवरेबल क्या होगा ये जो मिलना है एक साल के बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा यानी आप तीन लाख छत्तीस हज़ार नहीं लेंगे बल्कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें आप और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी थ्री थ्री सिक्स को आप करें वन ओवर वन पॉइंट वन टू तो इससे आपकी फिगर आ जाती है तीन लाख तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया आपका दो लाख का ये जो दो लाख का लॉस है ऑन जनवरी फर्स्ट कैरिंग अमाउंट नीड टू बी री इंस्टेटेड एट थ्री हंड्रेड थाउजेंड एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ टू हंड्रेड थाउजेंड शुड बी रिकोगनाइज इन द इनकम स्टेटमेंट ये आपका लॉस है ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ता है लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो है वो फिर आपको तीन लाख पर मिलेगी ना कि पाँच लाख क्योंकि आपकी अब इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होकर हो गई है थ्री हंड्रेड थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम पर है दैट इज़ ट्वेल्व परसेंट सो अब इसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में